राधे राधे गुरुजी जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि तुलसी जी को घर में लगाना इतना शुभ क्यों है? तुलसी को घर में लगाना शुभ क्यों है? हाँ। तुलसी को घर में लगाना इसलिए चाहिए कि तुलसी माता चलती फिरती हमारी माता इसलिए है कि उसके पत्ते अमृत की तरह हैं। आयुर्वेद में तुलसी का अर्क, आजकल मेडिकल्स में आपको तुलसी का अर्क मिलने लग गया है, है ना? तुलसी से बनी दवाइयाँ मिलने लग गई हैं। साइंस को, दुनिया को आज पता चला कि तुलसी कितनी बहुमूल्य है, अमृत है, औषधि है, जड़ी है। आज से पता चला दुनिया को, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से पूजते आए हैं और तुलसी दल प्रसाद में खाते आए हैं, तुलसी की माला पहनते आए हैं। शुद्ध है, भगवान को प्रिय है। और ऐसा कुछ है कि घर के बीच में लगाना चाहिए? घर के आंगन में लगाई जाती है तुलसी, पर आजकल तो आंगन बचे नहीं घर में, तो अब जहां आप लगाएं वहीं अच्छा है, ईशान कोण में लगाएं श्रेष्ठ है। और दूसरा सवाल ये था कि लड़कियां इत्र यूज कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं? क्यों नहीं लगा सकती हैं, बिल्कुल लगा सकती हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी मेरा ये सवाल है कि महिलाएं अशुद्ध अवस्था में भी तुलसी माला पहन सकती है? हाँ, तुलसी की माला गले में आप पहने रह सकते हैं हर समय। अशुद्धि से तुलसी अशुद्ध नहीं होती, तुलसी की शुद्धि से हम शुद्ध रहते हैं। अशुद्धि के दिनों में भी आप तुलसी माला पहन सकते हैं, पहने रह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जी गुरु जी। गुरु जी वादे वादे। जी गुरु जी, क्या कहते गणेश जी के पास लक्ष्मी जी क्यों बैठा दी जाती हैं? गणेश जी के पास लक्ष्मी जी इसलिए बैठती हैं क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। हाँ। और लक्ष्मी जी हैं धन की माता। हाँ। तो जिनके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होगी उसी के पास तो लक्ष्मी भी होगी। जिसके पास गणेश जैसा दिमाग होगा वही पैसे वाला होगा। अब जिसके पास गणेश जैसी बुद्धि नहीं है वो लक्ष्मी दो दो रुपये को रो रहा है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं वो बुद्धिमान होते तो भीख क्यों मांगते, बुद्धिहीन है। तो लक्ष्मी जी सदा गणेश जी के बगल में ही बैठती हैं, मतलब बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी जी होती हैं, इसलिए बैठी हैं बेटा। गुरु जी मेरे बाबा की तबीयत खराब रहती है बहुत। हो जाएगी, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, भगवान ठीक करेंगे। सब लोग बेटा दे दो, आराम से शांति से बेटा, मैया बैठ जाओ, सब लोग सब बैठ जाइए, बोलो। राधे राधे गुरु जी। सब लोग बैठ जाइए, खड़े ना होइए। मैया ये पीले कपड़े वाली मैया बैठो, चश्मा वाली मैया, बोलो बोलो बेटा जल्दी बोलो। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी, मेरा नाम छोटू है, मैं हरियाणा से आया हूँ जी। मैं रेहड़ी लगाता हूँ अंडे की और नॉन वेज की। अच्छा, अंडा और नॉन वेज क्या करते हैं? रेहड़ी लगाता हूँ, रेहड़ी। ये क्या होती है? और दुकान? हाँ जी दुकान करता हूँ उसकी। अच्छा, और उसका मैं सेवन भी कर लेता हूँ कभी कभार ना। हाँ, तो मेरी जो घरवाली है ना उन्होंने लड्डू गोपाल ले लिया। ठीक है, बिना मुझसे पूछे। तो आपसे पूछ के लेते तो फिर आप क्या कहते हैं उनको? नहीं पूछ, पता करते हम किसी से भाई क्या उसमें क्या परहेज करना, क्या करना क्या नहीं करना। तो आप मछली मारते हैं? हाँ जी हाँ जी। मुर्गी भी मारते हैं जी? तो आपको ये काम करने से कितना कमा लेते हैं आप? हो जाता जी, घर का गुजारा हो जाता ठीक ठाक। तो घर का गुजारा ही तो करना है ना अपने को? हाँ जी। तो क्या घर का गुजारा हम दूसरे कामों से नहीं कर सकते? नहीं गुरु जी, मैं सुबह ना मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ, पर शाम को लगाता हूँ चार पाँच घंटे में, जो उठा ली जाता है ना 10 बजे तक। तो सुनो ना, उस समय पे आप सब्जी की दुकान लगा लो ना। सब्जी नहीं चल पाएगी ना जी। चलेगी क्यों नहीं? 5 बजे के बाद कितना टाइम रह जाता है, 9 बजे तक दुकान लगती है। कुछ और कर लो, किसी की हत्या तो ना करो अपने हाथों से। मैं हत्या नहीं करता जी, मैं लेके आता हूँ वहीं से। देके आते हैं? हाँ जी। तो मतलब मारते नहीं है आप? नहीं मैं नहीं मारता जी, वही मारता जो बेचते हैं इनको। तो आप कहाँ से लाते हैं? मार्केट से। आप मार्केट से खरीदते हैं मरी मराई मरगी मछली? हाँ जी हाँ जी। और फिर उसको आप सेल कर देते हैं? जी। तो कोई तो जिंदा रहती भी होगी? नहीं जी, कोई नहीं रहती। अच्छा, तो आप मारते नहीं? नहीं।
कोशिश करो कि ये काम ना करना पड़े, दूसरा काम करके दाल रोटी खाना है ना अपने को। हाँ जी। तो दूसरे काम से भी अपना गुजारा हो सकता है, तो कोशिश ये करो कि ना करना पड़े ये सब उल्टे काम। किसी की हत्या में हम क्यों भागीदार बने? गुरु जी बात तो आपकी सही है, लेकिन समय नहीं रह पाता और कुछ काम करने के लिए ना, और जहाँ पे मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पे यही चीज है। अब आप अपने हिसाब से समझो, मेरे हिसाब से तो कुछ और करके अपना गुजारा करना चाहिए, किसी की हत्या में अपने को भागीदार नहीं होना चाहिए, मेरा कहना है। अब आपके हिसाब से आप समझो, मैं परमिशन नहीं दे सकता, नहीं तो मेरे को भी पाप लग जाएगा। नहीं गुरु जी आप बच जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता था जी, क्या नाम है जो हमने लड्डू गोपाल ले रखे हैं, उनकी सेवा करो, उनको भोजन प्रसादी कराओ, जो खाते हो बढ़िया सिंपल दाल रोटी सब्जी चावल का भोग लगाओ खाओ। तो इस चीज से तो कोई दिक्कत तो नहीं है उनको? तो आप मांस खा भी लेते हैं? हाँ जी खा लेता हूँ कभी कभी। तो अच्छा ना खाइए, अच्छा रहेगा कि ना खाएं आप? अच्छा, मांस खाना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात तो नहीं है जब पहले से खाते आ रहे हैं जी। तो कोई बात नहीं, पहले से गलत काम कर रहे हैं तो आगे भी करते रहोगे, फिर साफ करो उस गलत काम को, साफ करो अपने मन को। आपके घर में पहले से कचरा पड़ा है तो आप साफ नहीं करते क्या? नहीं करते हैं। फिर आपके मन में भी कचरा है तो उसे भी साफ कर लो। ठीक है जी, खुश रहिए। ठीक है जी।